वो मेरा बेटा जो है ना, हाँ वो अपने आप को हिट करता रहता है, जैसे वो एक स्टिमिंग टाइप आदत होती है कि अपनी टांगों के ऊपर मारता रहता है, अपनी हाँ टांगों के ऊपर जोर जोर से हाथों के साथ मारता रहता है। जब वो हाँ एक्साइटेड होता है वो तब जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, जब वो गुस्से में होता है तो वो कोशिश करता है कि दूसरों को मारे, लेकिन जब दूसरे लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं फिर वो खुद अपने आप को मारना शुरू कर देता है। फिर जैसे कोई कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है ना, जैसे कोई, जैसे समझे जैसे कोई खाना बना रहा है, रोटी पका रहा है, कुछ बर्तन धो रहा है, तो उसको देख देख के भी ना एक्साइटमेंट के साथ अपने आप को हिट करना शुरू कर देता है टांगों के ऊपर। तो अब समझ में नहीं आते ये इसका हिटिंग बिहेवियर है, स्टीमिंग है, फ्रस्ट्रेशन स्टीमिंग बात क्या है, क्या हीटिंग की है। बात होती है ना। अगर आपको याद होगा जब हमने स्टीमिंग का सेशन किया था, हमने क्या बात की थी, हमने जी बात की जी था सेल्फ इंजर्स में कन्वर्ट हो जाती है, याद होगा आपको। फिर तो जी हमने उसको जी पहले ही रोकना होता है। देखिए, यू कैन गिव जी एनीथिंग जी टू जी जी चाइल्ड, एग्जैक्टली बच्चे को कुछ दे। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आई कैन अंडरस्टैंड। जी, आ रही है, उसमें देखिए आप, ये जो छोटी बॉल्स होती आ है, रही बॉल जैसे होते हैं, आप बच्चे के हाथ में पकड़ा सकते हैं। यू कैन गिफ्ट प्ले डो दे सकती है बच्चों को, ना कोई चीज आप के हाथों में दे सकते जिसको प्ले करे। फिर हमारे कुछ सेंसरी है। बहुत अच्छे अवेलेबल है आपको मार्केट में मिल सकते हैं। अच्छा, वो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, सॉरी टू से, मैं एक बात आपको बता रही हूँ, वो मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। उसके लिए हमने ये फिजेट्स रखे हैं, बॉल्स रखी है, सब कुछ, लेकिन ना उसको ना टॉयज में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पसंद करता है ऐसे ना, मतलब जो बड़े लोग कर रहे होते हैं ना, जो हम सब लोग कर रहे होते हैं, वो इस चीज को पसंद करता है कि मैं दूसरों के दरमियान में मौजूद रहूं, चीजों के साथ नहीं खेलना पसंद करता, बड़ों के साथ रहना पसंद करता है। और फिर जो कुछ वो कर रहे होते हैं उनको देख देख के ना, तो वो हाँ एक्साइटेड होता है। अब देखिए, तो आपने खुद कभी यहाँ पे क्यूज दे दिया कि बड़ों की एक्टिविटी करना खुद चाहते को हैं, हिट बड़ों को करता हेल्प है। में शामिल कर लें। जी ठीक है तैयबा, क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, बच्चा आपके साथ हेल्प कर सकता है जी टेबल सेट करने में, आप जो भी काम करें आप उसको साथ में वहां पे इन्वॉल्व करो। देखिए बच्चे के जी अंदर चेंज बिहेवियर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए कुछ छोटे छोटे काम होते हैं। जी आप जी जब हम किचन में काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे काम है कि बच्चा कर सकता है। कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, ग्लास जी वो करवाते। एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, ठीक है, उसको जी और जी इन्वॉल्व जी करना। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे घर में और बच्चे नहीं होते, तो जी वो तब बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, जी और फिर जी आप ऐसा एक ही और है, चीज कर सकते हैं, उसको छोटी वो चीजें बड़ों के लाते, साथ ही मिलके। स्मॉल टॉय सेट होते हैं ना, ये आप एक बार ट्राई करके देखें ये चीजें उसके साथ। जैसे डॉल हाउस के अंदर चीजें होती है ना, टेबल और ये सेट हो गया छोटा सा, या कप और ये चाय की चीज सेट होता है, आप ट्राई करके देखिए बच्चे इसका रिस्पॉन्स जी कैसे जी होता है। आप इतना कुछ ट्राई किया, अभी भी ट्राई करके देखते हो, सो बच्चा इसका रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा जी, ओके। और जी, जो टीवी के सामने बैठ के करता है कि कोई सॉन्ग लगा हुआ है या कोई एक्शन मूवी लगी हुई है, तो ऐसे जज्बाती होके जंप करेगा और मारेगा खुद को, जैसे वो उसके पार्ट है, जैसे वो उनके साथ ना ऐसे फील कर रहा होता है जैसे कि ना उनके अंदर वो भी साथ इन्वॉल्व है पूरी तरह। सॉरी, रिपीट करें। जैसे कोई टीवी पे कोई सॉन्ग लगा हुआ है, और या टीवी के ऊपर कोई एक्शन मूवी टाइप कोई चीज लगी हुई है, कोई एड्स लगे हुए हैं, तो उनके साथ भी उछल उछल के और अपने आप को हिट कर करके वो, ये पता नहीं, शायद ये फील कर रहा होता है कि वो उनके साथ वो भी वही एक्शन कर रहा है, जी बता, तो आपके इस बेटे की चीज को फिजिकल कैसे एक्टिविटी रोका जा कितनी है? सकता है। कितनी फिजिकल एक्टिविटी है? फिजिकल एक्टिविटी, हाँ जी, कम है वैसे, बहुत इतनी ज्यादा ज्यादा करें नहीं ना है, आप। वो खुद ही देखिए दो खेलता तीन रहता चीज है। आप मुझे खुद ही दे रही हैं अपने, और आप शायद थोड़ा सोचे आपको खुद आइडिया होना शुरू हो गया इसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें आप। और हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जी जी सेंसरी डाइट। सेंसरी डाइट का मतलब अच्छा खाने वाली नहीं होती, सेंसरी डाइट का मतलब आप ओवरऑल चीजें बच्चे के लिए जी प्लान करते जी हैं। तो आप इसके बारे में जो है ना, सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होती है, और आप कैसे ठीक बच्चे को है फिजिकली ठीक इन्वॉल्व है करके ना, क्योंकि अगर मेरे खास बेटा तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आप इस एनर्जी को डाइवर्ट करें। जस्ट डाइवर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग वेरी जी पॉजिटिव, जी जिससे बच्चे को भी फायदा होगा, उसको भी जी फायदा जी होगा, और ये बच्चा स्पोर्ट्स बहुत जल्दी लर्न करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं जी बच्चे जी को, लेकिन थोड़ा तो आपको आइडिया हो जाता है ना चीजों का। तो आप जो है इसको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर दे इस बच्चे की, ठीक है, और जितने आप जी जी काम करते हैं बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करें, उसमें चेयर करना भी है, सफाई भी करवा सकती है, क्लीनिंग भी करवा सकती है उससे, जो छोटे छोटे काम बच्चे कर जी सकता जी है, सेटिंग करवा दी जी किसी चीज जी जी की, टेबल सेट करवा दिया, लेकिन डेंजर सेफ्टी मैं बार बार कहती हूँ आपने ध्यान रखना है, मैं इस चीज को बार बार कहती हूँ, ठीक है। वो आपने जहर जी मैंने छुरी जी कांटा नहीं एग्जैक्टली पकड़ाना, उसको चम्मच दे सकती हैं आप, छुरी कांटा ना जी जी पकड़ाए उसको, ठीक है। और कोई शीशे की चीज ना दे, जी प्लास्टिक की चीजें रखे इसके लिए, जो या प्लास्टिक की होगी,
या जो वो स्टील की चीजें या जी जी लोहे की, ठीक है, वो उसकी ले रखे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, जी जी मैं पढ़ के बताती हूँ। जी सरेश, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, नो नो इशू विद दैट। ओके, छोटे बच्चे को एकदम से हिट कर देना, उसको कैसे लर्न करें? चलती वो एकदम से जोर से हिट कर देगा, चलती फिरते, अच्छा होटल में एग्जाम्पल, पानी पीना, आप इसको फॉरन पानी पीना, प्रिवेंट करें। हिटिंग बिहेवियर जो है प्रिवेंट करने वाला होता है, आपने उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोग जब क्या आपके पास सेंसरी टॉयज है, जिन्होंने अभी क्वेश्चन लिखा है, मिसेस अली, डू यू हैव सेंसरी टॉयज? अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोले मिसेस अली। जी जी मेरे पास वैसे स्टफ टॉयज हैं, तो इस तरह होता है जैसे अब मैं चलते हुए तो ये करती, मेरी बेटी का है ये बिहेवियर, वो स्लो लर्नर है, और उसके ये है कि उसको वो क्लेफ पैलेट भी है, तो प्रॉपरली कम्युनिकेट उस तरह से नहीं कर सकती, बोलती है लेकिन उसकी काफी चीजें समझ नहीं आती दूसरे को, मैं ही समझ सकती हूँ। तो वो अक्सर जिस तरह छोटा बच्चा होता है वैसे तो उसके साथ खेल रही होती, लेकिन खेलते खेलते एकदम हिट कर दिया, या चलते फिरते एकदम मार दिया, या हम होटल वगैरह में गए तो अगर वेटर फूड सर्व कर रहा है तो उसको भी एक लगा दी। अब वैसे तो जैसे हम कहीं पास कर रहे होते हैं तो मैं इसका हाथ पकड़ते हुए इसको लेके जाती हूँ कि ये आगे पीछे ना किसी को लगाए, लेकिन और क्या किया जाए, मतलब उसको ये किस तरह से समझाया जाए कि इस हिट नहीं करना, क्योंकि वो थोड़ी समझदार है, कम्युनिकेशन है उसकी, तो आप थोड़ी ट्राई करें, आप चेक करें सोशल स्टोरीज और इंटरनेट अबाउट दिस, आपको ना पिक्चर के फॉर्म में मिल जाएगा, नहीं जब नहीं तो आप खुद ड्रॉ करें, उसको बताएं कि हिटिंग से पेन होता है, और पेन की आपको ना वो बड़ी प्यारी वो मिल जाएगी, मतलब प्यारी में पता नहीं कभी कभार वर्ड हमारे वो हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी इसके बारे में कि सोशल स्टोरी के थ्रू अपने बच्चे को कैसे सिखाते हैं कि उसे हिट नहीं करना, हिट से पेन होता है, और जितना आप बता रहे हैं वो शी विल अंडरस्टैंड दैट, वो बाकी बच्चे जिनकी दूसरी तरह की नीड्स होती हैं उनको भी हम समझा सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करें इसको स्टोरी बना के बताएं कि हिटिंग बैड है, और जब वो आप इतनी देर हिट नहीं करोगे तो मैं आपको ये चीज दूंगी, या हम ये करेंगे, हम आपकी फेवरेट एक्टिविटी, थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड वाला, थोड़ा इसके ऊपर टेक्निकल लगा कर देखें, देखें उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। लेकिन आप बताएं उसको, समझाएं कि हिटिंग बैड है, हिटिंग से पेन होता है, ठीक है, पेन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दें यहाँ पे, जब पेन का कॉन्सेप्ट आप देने में कामयाब हो जाएंगी तो फिर वो समझ जाएगी इन चीजों को, और आप सोशल स्टोरी करवाएं उसको, सोशल स्टोरीज आपको मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सारिश। वालेकुम अस्सलाम। मेरे फ्यू क्वेश्चंस हैं, मेरा बेटा है मुस्तफा नाम है। सॉरी सारिश, डॉक्टर शगुफ्ता आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सारिश, वो डॉक्टर शगुफ्ता। हां जी कह रही थी, आप कुछ कहना चाह रही इस बारे में? मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे आप ये देखें कि आपका बच्चा कहीं इग्नोर तो नहीं हो रहा, या ऐसी सोसाइटी में तो नहीं है, बच्चे उसको हिट तो नहीं करते, कहीं से लर्न करके तो नहीं आया आपका बच्चा, ठीक है। और अगर लर्निंग करके आया तो फिर उसको आप ड्राइंग करके या इस तरह की स्टोरीज बना के उसको लर्न करवा सकते हैं कि इट्स बैड, और ये चीजें आपको चेक करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि बाहर थोड़ा चला जाता है, ये घर के अंदर कजन्स या बहन भाई जो है ना उनको हिट करते हैं, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स जो है डिले होता है, तो लर्निंग उनकी बहुत फास्ट होती है, तो ये चेक करें। पेरेंट्स में अगर इस तरह के हैबिट्स हैं, हीटिंग के हैबिट्स हैं, या बच्चे को फील हो रहा है तो बच्चे वहां से भी लर्न करते हैं। और एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया, जैसे मैं पढ़ देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में है कौशल इश्फाक का। अच्छा, आप एक तो बच्चे का जो है ओरल मसाज स्टार्ट करें, स्टार्ट ओरल मसाज, वो मेरे ख्याल से आपके बच्चे की सेंसिटिविटी पे जो चीजें मुंह में लेके आते हैं जिसको माउथिंग ले जाते हैं, सो आप उसका ओरल मसाज स्टार्ट करें, आपको बहुत इजीली पिक्चर्स मिल जाएंगे, इंटरनेट बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल होती है, समटाइम जो है ना बच्चे के वो नहीं डायग्नोसिस के पीछे इतने चले जाते हैं कि हम जो चीजें पॉजिटिवली हम कर सकते हैं बच्चे के साथ या इजीली कर सकते हैं, हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो प्लीज आप ट्राई करें मिसेस कौशल इश्फाक कि आप बच्चे की मसाजेस स्टार्ट करें, एक्सटर्नल मसाज भी हो सकता है, इंटरनल मसाज भी हो सकता है, ठीक है, और आपको वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। जी अब्दुल हादी, जी अब्दुल हादी के नाम से देखिए। मिस मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोले। सवाल है कि सम टाइम वो जाता है कि इतना बच्चा इतना हम कर देता है कि एक दो लग ही जाती है, तो हम
बच्चों को नहीं खुद को कैसे कंट्रोल करें, मतलब हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। मेरा बच्चा तो मुझे पता मुझसे ही सीखा उसने, क्योंकि वो माशाल्लाह समझदार है, समझता है, लेकिन हम खुद को किस तरह से कंट्रोल करें समटाइम नहीं जाते हैं कि हमारा हाथ चल जाता है। डॉक्टर शुगुप्ता कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या कहा है मुझे प्लीज दोबारा बताइएगा। मैंने बोला है कि हम इस पे नेक्स्ट टाइम सेशन करेंगे इंशाल्लाह, और आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके थैंक यू, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कंट्रोल करना है उस कंट्रोल को बिल्कुल नहीं समझ। देखिए आप कोई वो नहीं है, रिमोट कंट्रोल के साथ आप लोग नहीं आए थे। ह्यूमन बींग्स आर नॉट कंट्रोल, रिपोर्ट्स नहीं होते, ना बच्चे रिपोर्ट्स हैं, ना आप लोग रिपोर्ट्स हैं, कि हम इतने उनके बारे में बात करते, पेड़ से बारे में बात ही नहीं करता। तो बिल्कुल हम इस पे नेक्स्ट टाइम इस पे सेशन करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सारिश बोलिए। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा है वो 2 साल और अभी 8 महीने का तकरीबन हो गया, 2 साल और 8 महीने का। जी जी। हमने उसकी 6-7 महीने कम से कम हो गए हम उसकी थेरेपी करा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेंसरी इश्यूज का है। वो हर चीज उठा के ना एक दफा जरूर चेक करता है, मुंह में डालता है, एक दफा जरूर लिख करेगा, कोई भी चीज है या पुरानी पानी, बस वो हाँ महा करता है। हालांकि वो खाने पीने में उसकी इतनी इम्प्रूवमेंट है कि रमजान के बाद से मैं उसको हर चीज में ट्राई कराती हूँ। एप्पल खुद खाता है, ये छली खाता है, कॉर्न्स जो होते हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स उसको बहुत पसंद है, ये सारी चीजें वो खाता है, लेकिन स्टिल वो जो भी चीज उसको देंगे ना तो बस वो एक दफा जरूर मुंह में डालता है। उसका इतने सेंसिटिव इश्यूज है कि हमें समझ नहीं। आपने क्या उसके मसाजेस ट्राई किए, ओरल मसाज ट्राई किया उसका, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों? आप वो ट्राई करें, ठीक है? फिर थोड़ा सा ट्राई करें च्युइंगम ट्राई करें। नहीं मैंने तो कभी नहीं किया। ये ट्राई करें च्युइंगम ट्राई करें उसके साथ, ताकि वो थोड़ा इसकी वो किस तरीके से कहीं मुझे थोड़ा सा ज्यादा इस पे फील करें। आप एक तो ओरल मसाज करें, ओरल मसाज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। सोलो करते हैं तो एक वीडियो भी है, क्या चीज सोलो करेगा वो, सॉफ्ट में सॉलो करने से मसला नहीं होगा। असल में मैं जो है फेवर में एक मिनट जो है ना हमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बच्चे के साथ काम करती हूँ, उसको मुझे ईटिंग पे काम करता, अदरवाइज मैं बच्चे से नहीं मंगवाती मीठी चीजें, ये चीजें मैं नहीं मंगवाती, और ये जो भी कैंडीज और ये चीजें होती है लॉलीपॉप वगैरह होते हैं, लेकिन मुझे उस बच्चे के ऊपर काम करता था, तो मैंने इससे थोड़ा मदद से मंगवाया, फिर मैंने उसको खत्म भी कर दिया था क्योंकि वो उसने ईटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप कोई ना कोई चीज ऐसे बच्चे को दे सकते जो बच्चा खा ले, या जैसे सॉफ्ट मिंट है वो खा ले, बबल जैसे जिस तरह से होता है, ठीक है? ये चीजें होती हैं, ठीक है? तो इससे थोड़े बच्चे की नीड सेटिएट हो जाती है, या फिर इसको कोई ऐसी चीज जैसे फॉर एग्जांपल ये चुबाने वाली चीज जैसे खीरा हो गया, अगर हम थोड़ी हेल्दी साइड पे चले जाए, गाजर हो गई, कॉर्न हो गया, जिसको उसको ज्यादा चुबाना पड़े, जरा आपको उसको उस तरफ लेके जाए, ठीक है? ताकि उसकी वो नीड पूरी होती रहे, वो काफी देर तक उसको चुबाते, ठीक है? जेली आप घर में खुद बना सकती हैं, वो भी आप जो है ना पॉप्सिकल में डाल के उसको दें, तो है एक पॉजिटिव साइड, ठीक है जी। और अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है सर जी, मैं ये कह रही हूं, मेरा एक क्वेश्चन ये कि ये कुछ टाइम हुआ ये हमें हैंड लीडिंग करता है, हमें लेके जाता है दिन सारी, इसके दिमाग में जो भी काम आता है तो बस ये हमें लेके जाता है, एक ना एक बंदे को इसने रखा होता है और बस वो बस इसको चाहिए तो ये लेके जाएगा। इज इट अ गुड बिहेवियर, और कि क्या आप कहती हैं कि ये एक अच्छी चीज है या अच्छी चीज नहीं है हैंड लीडिंग करता है? सॉरी हैंड क्या करता है? हैंड लीडिंग करता है, लेके जाता है, अगर कोई चीज चाहिए ना तो आपको उस चीज की तरफ लेके जाता है, फ्रिज में से बहुत चीजें चाहिए होती है, किचन में चाहिए होती है, समथिंग कम्युनिकेट कर रहा है चाइल्ड, बोलता है, जबान से कुछ नहीं कहता, आपको वर्बल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ आपको लेके जाता है उस चीज की तरफ, आप उसको ना उस पे लेके जाए। वो जैसे मैं 2-3 दफा बोला, बार बार मैंने बात किया, एक तो उसकी 2-3 मेरे सेशन आपको ना मेरे उसमें मिल जाएंगे,
कि आपने कम्युनिकेशन पे स्पीच पे कैसे काम करना है, ठीक है। दो तीन सेशन मैंने किया और वो डिफरेंट तरह के सेशन है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप उसके ना कम्युनिकेशन सिस्टम पे, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करें, वो कार्ड्स बना के ताकि वो उस तरफ पॉइंट करे, और ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जब वहां पे लेके जाए तो साथ साथ बता दीजिए, हाँ आपको ये चीज चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए, ताकि थोड़ा उसके अंदर वो बात करने का हौसला भी आए, बिकॉज बच्चों के पास ना वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता बोलने के लिए, ठीक है। और ये रीजन की है करने की है कि वो अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा आप लोगों से, ठीक है। जितना वो उसकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो इस चीज को आप प्रिवेंट करना, कैसे प्रिवेंट करेंगे, आप उसको पिक्चर एक्सचेंज पे लेके जाएंगे और उसके बाद फिर वो वर्बल भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। किसी और क्वेश्चन को, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे एक और सेशन भी करना है, किसी और थैंक यू सो मच फॉर नाइस इट। और किसी का क्वेश्चन है जल्दी से, सॉरी लेकिन मुझे आगे कल भी जो है ना लास्ट वीक में मेरा पूरा गया था जी। कौशल अस्सलाम वालेकुम मैम जी, क्या हाल है आपके, ठीक है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैंने आपको इनबॉक्स पे किया आपको हिस्ट्री ताकि थोड़ी सी बच्चे की पता चल जाए। मैम मैं उस जैसे मैंने उसको कहना है हिजाज उसका नाम है, 5 years old है। मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया था, वो 2 months के लिए गया भी, वहां पे मेरे कुछ इश्यूज हुए तो मैंने उसको स्किप करवा दिया। बिहेवियर के इश्यूज बहुत ज्यादा है, हालांकि घर का एनवायरमेंट इस तरह का नहीं है, लेकिन हिटिंग स्पिटिंग वो मेल्ट लिकिंग, उसके अलावा ये है कि मैंने कहना आए वॉशरूम चले, अंडरस्टैंडिंग है चले जाते हैं, ट्रेन भी है पिशी के लिए चले जाते हैं आराम से। उन्होंने पहले मुझे लाते मारनी है पेट में टांगों पे या जो भी उसके हाथ में उठा के फेंकना है, उसके बाद वो काम भी कर लेना है। तो मैं अथॉरिटेटिव बिहेवियर में कहती हूँ कि आपने ऐसे नहीं करना, या एक मेरे पास नॉटी कॉर्नर है मैं उस पर उनको बिठा देती हूँ। मैं एक ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपने एक चेयर पे बिठाया और आप 10-15 मिनट लिए इग्नोर किया, उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है तो मदर का या जो फैमिली मेंबर है उनका रिएक्शन उस पर क्या होना चाहिए? या लेट्स सपोज उन्होंने किसी को मारा, मैंने कहा आपने अच्छा नहीं किया, वो जाके सॉरी बोलेंगे, लेकिन जब वो आगे से भाई उसको हक करेगा कि अच्छा आपने मुझे मारा, मैं थोड़ा इग्नोर करें, इग्नोर करें, आपने उसको डांटा है उसको पनिश किया है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करें। अगर आप उसको फौरी हक करेंगे और फौरी अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे कि आपने इसको, इसने आपको सॉरी कर दिया, तो वो समझेगा इट्स नॉर्मल। उसको नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा इग्नोर करें, उसको साइड पर बिठा दें, और इग्नोर करने के बाद कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रेपो बिल्ड करें। लेकिन आपने पनिश करने के बाद कभी भी फौरी हक नहीं करना, कभी स्कूल चला जाए, जाता है नॉर्मली, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम स्कूल जाते हुए नहीं करता, वहां जाके मसले हो जाते हैं। इन्होंने भी लर्न किया है ना, बात सारी ये होती है, आपने कहा ना कि आपके घर में देखिए पेरेंट्स हमें बताते हुए इसी शर्माते के साथ घर में चीज हो रही है। देखिए जरूरी नहीं कि वो उसके साथ आप लोग करते हो इस तरह से, कोई भी इतना नहीं होता अल्लाह का बात। सिर्फ मेरे कहने का ये मकसद ये था कि बच्चे ने कहीं और देखा होता, बच्चा मूवीज से भी चीजें लर्न करता है, तो आप देखते हैं बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, कार्टून से भी चीजें लर्न करते हैं। हमारे कार्टून बहुत एग्रेसिव है, हमारी गेम्स बहुत एग्रेसिव है, तो बच्चा वहां से भी लर्न कर होता है समटाइम कि हिट करना। जी मैम, जो उसका बैक नॉलेज है उसको वो मतलब जैसे उसने कोई पुरानी मूवीज देखी है, मैंने स्क्रीन बंद कर दी है, ऑफ है सब कुछ, अब वो क्या करता है कि उन चीजों को दोहराता रहेगा या प्रिटेंड करेगा। फिजिकल एक्टिविटी कितनी आपके बच्चे की, कितनी फिजिकल एक्टिविटी है? मैम फिजिकल जंपिंग बड़ी अच्छी करते हैं, भाइयों के साथ खेलता है, साइकिलिंग करता है, खेलते हैं फुटबॉल, खेलते हैं क्रिकेट, खेलते हैं बास्केटबॉल, क्या खेलते हैं जी? साइकिलिंग करता है, जंपिंग करता है, और बॉल अभी थ्रोइंग पे ही है कि मतलब फेंक दिया उठा के ले आया, इस टाइप का गेम्स खेलता है। आपका प्ले टाइम ज्यादा कर दिया थोड़ी जो है ना उसको, अगर आपके पास वो बॉल्स बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं ना वो लेके ना, तो उसको बॉक्सिंग का वो लेके छोटे छोटे में मिल जाते हैं, हमारे पोजिशन में काफी पड़े, उसको हिट करें। सही, ठीक है, वो छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको, बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको, हर जगह मिल जाएंगे वो लेके, बेशक अगर ग्लव्स अभी नहीं दिए तो उसको हिट करें, प्लास्टिक का तो उसमें पेन इतना उसको नहीं होगा, तो आपने डाइवर्ट करके उसको कम उसकी तरफ। और मैं आपको एक और चीज एग्जांपल देते, मुझे बहुत ये बात अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा था अगर आपके बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उसको ना उनको वो दे दे, वो प्लास्टिक के मिलती है चीजें छोटी छोटी सी, या गुब्बारे भी मिलते हैं जैसे, तो उससे एक दूसरे को हिट करें, वो ये चीजों को हिट करें, या अगर वो कर भी रहे ना आपस में, ताकि उनको इंटेंसिटी समझ आए कि किस हिटिंग की क्या इंटेंसिटी है या क्या चीज है, ठीक है, बस उनके जो प्ले है तो आज उनको आगे पीछे कर दी की मामा। इसके बाद जो है मैम ये सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इट कुड बी सेंसरी। और जैसे मैंने किसी और सेंसरी डाइट का बोला तो आप प्लीज सर्च करें,
सेंसी डाइट क्या होती है कि आपने फुल डे उसको कैसे ट्रैक करना, तो आप वो भी जरा करें, ठीक है? हो सकता जी है तो ट्रिकी सर, सुनाई बहुत जोर का दे रहा हो, आप जो बात करी बहुत जोर से, मतलब आप नॉर्मल बर्ग, लेकिन जिनके सेंसेस डिशन होते हैं ना उनको 10 times, 10 times ज्यादा सुनाई देता है, टेस्ट 10 times ज्यादा होता है उनका, तो हो सकता है आपको शायद वो, हमारे यहाँ इवन इतना रिवाज भी नहीं इनका, ये जो होते नहीं जो बच्चे कानों में लगा के फिरते हैं कि मतलब उनको थोड़ी बास जो आवाज थोड़ी कम हो जाए उनकी, तो यहाँ पे इतना नहीं है। आई होप कि इक्विपमेंट इस किस्म के अवेलेबल हो यहाँ पे, लेकिन आप जरा ये सेंसरी डाइट इसकी ट्राई करें वो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है जी? अब बता दी कि मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जजाक अल्लाह। मिस मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज आप अगर उसका आंसर कर सके तो बोले। मिस अभी इन्होंने एक बात की ना कि बच्चा कहता है कि करने के बाद मुझे हक करो, मेरा बेटा बहुत ज्यादा कहता है जरा सा डांट दो, हक हगी किसी करो किसी करो। अब ठीक है घर में तो हम लोग डेफिनेटली कंट्रोल करते हैं, मैं कहती नो, मैं अल्टीमेट सब पे हाथ रखे कह देती हूँ ओके, फिर वो मान जाते हैं। ये सेंसरी नीड है, ये भी सेंसरी नीड है बच्चे के लिए, थोड़े वेटेड ब्लैंकेट होते हैं और आप थोड़ा सर्च करें वेटेड ब्लैंकेट क्या होता है, थोड़ा उसको सर्च करें, वो बच्चे के ऊपर रख दिया करें, जैसे तकिया होता है तो इसके ऊपर रख दिया, ताकि उसको वो जो उसको चाहिए ना नीड वो उसकी वहां से पूरी हो जाए, तो हग भी इज अ फॉर्म ऑफ नीड। घर में तो हम कर सकते हैं, बस बाहर कैसे करें हम, क्योंकि वो बाहर तो फिर मजबूरन देना पड़ता है, ठीक है? घर के अंदर जब वो नीड पूरी हो रही होगी ना उसकी वहां पे, उसको जितनी देर के लिए चाहिए वो, तो That would be, एक तरह से उस चीज को हो जाएगी, और आप गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर गुड टच बैटर सिखाना शुरू करें उनको, चेंजर ऑफ कॉन्सेप्ट से उसको, कि किसको करना किसको नहीं करना, ताकि वहां से प्रिवेंट घर तक सिर्फ हो रह जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, आई नो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, हम नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभ फॉर कमिंग फॉर टुडे सेशन, अपने वैल्यूएबल सजेशन देने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए देखिए आप मुझे अप्रिशिएट करें, मैं खामोश हूं। देखिए ये एक वाहिद जगह होती है जहां पे मैं बोलती हूं, अदरवाइज जब सच होता है आपको पता है मुझे खामोश बैठना पड़ता है, सम टाइम उनको से एग्री नहीं कर रही होती जो बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी कौन रह गया? मैमूना रह गया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैमूना बोले जल्दी। जी जी मैमूना बात कर रही हूँ जी। एक्चुअली मैम छोटा सा क्वेश्चन ये था कि बच्चों का जो हिटिंग बिहेवियर है, क्राइंग बिहेवियर है, ये बाकी ही कोई सेंसरी इशू ही हो सकता है बच्चे को, कि कोई चीज इनको एनवायरनमेंट में ट्रिगर कर रही है इस वजह से ही होगा, या अपनी बच्चे ने दैट इज आल्सो लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर मतलब फॉर एग्जांपल मैं मतलब देखिए सम टाइम पेरेंट्स या कोई जो थेरेपिस्ट टेंशन की तरफ वो उस पर टेंशन पे नहीं कर, जब वो उसको वाकई जरूरत थी तो बच्चे ने हिट करके जब उसकी तरफ देखा, हाँ माँ ने देख लिया, तो बच्चे ने तो सीख लिया कि जब मैं हिट करूंगा तो बंदा मेरी तरफ देखेगा, 10 times हिट करूंगा फिर देखेगा मेरी तरफ, 20 times हिट करूंगा फिर देखेगा मेरी तरफ, तो एक लर्न बिहेवियर भी होता है। तो हमें तो उसकी प्रिवेंशन पे जाना है ना, कि प्रिवेंट कैसे करना है, कि बच्चा अटेंशन लेने के लिए करे किसी और चीज के लिए, ठीक है? सो इट्स मोर लाइक दैट। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आई एम सक्सेसफुल इन मेकिंग सम फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, एंड जी थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभता हमें बैठने के लिए। वैसे बाय द वे हम पेरेंटिंग पे सेशन कर रहे हैं इस वीक में, संडे को करेंगे, तो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है? मैं जो जो लोग मेरे पास वो होते हैं ना व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैं अपनी सब जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी हम सेशंस करते हैं वो हम वहाँ पे भी लगा देते होते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आप लोग ज्वाइन कर लें, और आपसे दोबारा नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तो नेक्स्ट टाइम हम इस पर बात करेंगे कि पेरेंटिंग जो है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी टेक केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, और जो ओवरऑल की है वो कैसे इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है? मिसेस अली मैं आपको नंबर देती हूँ। जी मैंने अपना नंबर दे दिया उसमें, जी व्हाट्सएप पे ही नंबर आप देख लें, आप प्लीज नोट कर ले मुझे बता दे फिर मैं सेशन को ऑफ करूंगी। डॉक्टर अनीला व्हाट्सएप पे ही मिलती हैं, कॉल पे नहीं मिलती। हाँ व्हाट्सएप पे मिलती हूँ, व्हाट्सएप कीजिएगा। Thank you so much, everyone.